पिता पुत्र के रिश्ते पर कई फिल्में बनी हैं, लेकिन पिता पुत्री के रिश्ते पर कम फिल्में देखने को मिली हैं। इस रिश्ते को लेकर सुजीत सरकार ने पीकू नामक अनोखी फिल्म बनाई है। विक्की डोनर और मद्रास कैफे के बाद तीसरी बेहतरीन फिल्म सुजीत ने दी है और साबित किया है कि इस माध्यम पर उनकी तगड़ी पकड़ है। दिल्ली में रहने वाली पीकू एक वर्किंग वुमेन है, माँ इस दुनिया में नहीं है। घर पर वह अपने 70 वर्षीय पिता भास्कर बनर्जी की देखभाल करती है। इस उम्र में बीमारी को लेकर फोबिया रहता है और भले चंगे भास्कर को आश्चर्य होता है जब रिपोर्ट में उन्हें स्वस्थ बताया जाता है। कब्ज की बीमारी से वे पीड़ित हैं और हर बात को वे मोशन से जोड़ देते हैं। उसका मोशन के साथ जुड़ा हुआ है। कमाल है, आप हर बात को पेट से कैसे जोड़ देते हैं। पीकू की उम्र 30 के आसपास है, लेकिन पिता के लिए उसने अपने आप को भुला दिया है। भास्कर बनर्जी कई बार उसके स्वार्थ से भरा व्यवहार करते हैं। उन्हें डर सताता है कि बेटी ने शादी कर ली तो उनका ख्याल कौन रखेगा। जहां उन्हें लगा कि कोई लड़का पीकू में रुचि ले रहा है तो वे अपनी बेटी के सामने ही उसे कह देते हैं कि पीकू वर्जिन नहीं है। इतना खुला और मिठास से भरा रिश्ता है पिता पुत्री के बीच, इसमें बेवजह की भावुकता नहीं है। पूरी फिल्म में पीकू और उसके पिता बहस करते रहते हैं, एक दूसरे की जरा भी नहीं सुनते, लेकिन इस बहस से ही उनका प्यार टपकता है। इस बात को दर्शाना आसान नहीं है। ऐसे वॉक करने से कुछ नहीं होगा, जाके बैठिए बाथरूम में, हो जाएगी। आई नो माई सिस्टर बेटर ऑन यू। लेकिन फिल्म की लेखक जूही चतुर्वेदी और निर्देशक सुजीत ने जटिल काम इतने उम्दा तरीके से पेश किया है कि आप लगातार हंसते रहते हैं और दोनों के मजबूत रिश्ते की दाद देते हैं। भास्कर बनर्जी की अपनी फिलॉसफी है जो सोचने पर मजबूर करती है। उनका मानना है कि लड़की का जब तक कोई उद्देश्य न हो उसे शादी नहीं करना चाहिए। यदि सिर्फ पति की सेवा करना और रात को सेक्स करना हो तो इसके लिए शादी करने की जरूरत नहीं है। बेहतर है कि पति के बजाय माता पिता की सेवा की जाए। बुढ़ापे में वैसे भी पेरेंट्स को देखभाल की जरूरत ज्यादा होती है। पिता पुत्र का रिश्ता, महिलाओं की स्वतंत्रता और पेरेंट्स की देखभाल संबंधी मुद्दे पीकू में उठाए गए हैं, लेकिन यह भारी भरकम इमोशन से भरी फिल्म नहीं है। फिल्म हल्की फुल्की है और परतों में ये बात छिपी हुई है जिन्हें इशारों में निर्देशक और लेखक ने दर्शाया है। बंगाली परिवार की पृष्ठभूमि देकर फिल्म को मनोरंजक बनाया गया है। मोशन को लेकर गजब का ह्यूमर रचाया गया है। वैसे भी सुबह सुबह एक बेहतरीन मोशन होना दुनिया के बड़े सुखों में से एक है। भास्कर बनर्जी अपनी पोटी को लेकर चिंतित रहते हैं और सेमी सॉलिड या मैंगो पल्प से लेकर उसके रंग तक की चर्चा डाइनिंग टेबल पर करते हैं। वेस्टर्न या इंडियन टॉयलेट में से कौन सा बेहतर है, इसको लेकर इरफान जो तर्क देते हैं उसे सुन आप हंसे बिना नहीं रह सकते हैं। लेखक जूही चतुर्वेदी का काम तारीफ के काबिल है। एक बेहतरीन फिल्म उन्होंने लिखी है। फिल्म के किरदारों के बीच जो वार्तालाप है वो बेहद मनोरंजक है। भास्कर बनर्जी और उनके परिवार की जिंदगी का एक हिस्सा दर्शकों के सामने रखा गया है जो गुदगुदाता है। सुजीत सरकार ने कलाकारों से अच्छा काम करवाया है और फिल्म को वास्तविकता के करीब रखा है। हर किरदार को उन्होंने बारीकी से उभारा है। पीकू सिर्फ कलाकारों के अभिनय के कारण भी देखी जा सकती है। एक से बढ़कर एक अभिनेता इसमें है। एक वृद्ध, जिद्दी, झक्की, आलोचनावादी और जिसे आसानी से खुश न किया जा सके वाले भास्कर बनर्जी के किरदार में अमिताभ बच्चन ने प्राण फूंक दिए हैं। उनके बंगाली उच्चारण सुनने लायक हैं। अमिताभ ने कई भूमिकाएं निभाई हैं, लेकिन इस तरह की भूमिका में उन्हें पहले कभी नहीं देखा गया। इरफान खान का अभिनय सम्मोहित करने वाला होता है। दर्शकों की ख्वाहिश रहती है कि वे हमेशा उन्हें स्क्रीन पर देखें। राणा चौधरी के किरदार को उन्होंने पूरी परफेक्शन के साथ अदा किया है। अमिताभ और इरफान जैसे दिग्गज कलाकारों के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराना आसान बात नहीं है, लेकिन फिल्म देखने के बाद दीपिका पादुकोण का किरदार याद रहता है। पिता की सेवा में लगी पीकू अपनी जिंदगी भी जीना चाहती है। वह शिकायत नहीं करती, लेकिन उसका चेहरा सब बयां करता है। दीपिका के चेहरे के एक्सप्रेशन देखने लायक हैं। पीकू को देखने के कई कारण हैं और इसे मिस नहीं करना चाहिए। इस फिल्म को मैं 5 में से 3.5 स्टार देता हूँ।